नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर हिंदी न्यूज़पेपर का हेडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये एक न्यूज़पेपर के हेडिंग है, द हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर है और उसका हेडिंग है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ये मैंने एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर बनाया हुआ है। देख सकते हैं ये सेम, देखिए द हिंदी दैनिक न्यूज़ लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पर देखिए वेबसाइट, ये जो न्यूज़पेपर है इसका देखिए यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस दिया है, फेसबुक एड्रेस है, प्लस ट्विटर का एड्रेस है, प्लस सोमवार दिया हुआ, डेट दिया है, पृष्ठ दिया हुआ, अंक दिया हुआ, मूल दिया हुआ है, दिल्ली से प्रकाशित होता है। तो ये पूरा डिटेल्स, इस तरह के हेडिंग आप भी हिंदी न्यूज़पेपर अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आज मैं सिर्फ आपको इस तरह का हेडिंग डिज़ाइन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, इस तरह का हेडिंग पेज कैसे लेते हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये आप एडोबी इन डिज़ाइन के किसी भी वर्सन में कर सकते हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। अगर आप भी अपना हिंदी न्यूज़ पेपर बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा होगा तो थोड़ा सा ध्यान रख के देखिएगा। और मैं आप सिर्फ आज मैं आपको हेडिंग बताऊँगा, फिर आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपना एडोबी इन डिज़ाइन को ओपन करें और यहाँ फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो प्रीसेट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट दिया हुआ, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको कस्टम चूज़ करना है और इंटेंट का जो बॉक्स है यहाँ पर आपको प्रिंट चूज़ करना है, यहाँ पर प्रिंट हो प्रिंट चूज़ करना है, प्लस या नंबर ऑफ पेजेस। तो जनरली जो न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर हिंदी जो न्यूज़पेपर है वो आपका कितने कम 12 या 18 पेजेस का होता है, तो आप जितना चाहते हैं जितने पेज का आपको बनाना है। तो सपोज़ यहाँ पे 12 पेजेस का मुझे न्यूज़पेपर बनाना है तो 12 पेजेस मैंने ले लिया, स्टार्ट पेज 1 ही रखा है, यहाँ पर पेज साइज A4 या लेटर कुछ भी रखिए, ये चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सवाल उठता है ये साइज़ का, विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। तो ये जानने के लिए जनरली क्या होता है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो वो आपके ब्रॉड शीट या टैबलॉइड शीट के अंदर बनाया जाता है, तो ब्रॉड शीट जो साइज़ होता है उसका जो हाइट होता है वो 23.5 इंचेस का होता है, मतलब ये लंबाई जो न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं उसका लंबाई जो होता है उसका हाइट उसे हम लोग बोलते हैं, तो 23.5 इंचेस का होता है। और विड्थ जो होता है, जो चौड़ाई, चौड़ाई मतलब मान लेते हैं ये चौड़ाई हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो चौड़ाई जो न्यूज़पेपर का होगा वो है 29.5 इंचेस का होता है। तो हम मैं आपको एक सिंगल पेज ही आज आपको डिज़ाइन करके उसके हेडिंग बताऊँगा। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है 29.5 इंचेस का है, और यहाँ पे देखिए 29.5 इंचेस को अगर मैं हम लोग आधा करते हैं, मतलब एक सिंगल पेज, मतलब ब्रॉड शीट तो पूरा का पूरा पेज हुआ, उसका एक जो शीट है उसको अगर आधा करेंगे तो 14.75 इंचेस होता है। तो ये 29.5 इंचेस, फिर आप बोलिएगा हाइट जो हो जाएगा 14.75 इंचेस, ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, ये मैं कैलकुलेटर यहाँ पर रख रहा हूँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे हाइट जो मान लेते हैं ये एक न्यूज़पेपर है, देख लीजिए ध्यान से, ये न्यूज़पेपर मान लेते हैं, तो इसका हाइट ये वाला हुआ और चौड़ाई ये वाला हुआ। तो न्यूज़पेपर में देखिएगा जो दो पेजेस में पूरा का पूरा जो ब्रॉड शीट है उसमें दो पेज, एक पेज जो रहता है वो आधा होगा, तो उसका जो आधा करने के लिए 29.5 इंचेस जो दिया हुआ चौड़ाई है उसको आधा करेंगे 14.75 इंचेस होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए 29 लिख दिया मैंने, 29 पॉइंट के लिए फुल स्टॉप दिया, और यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे मैंने 5 दिया है देख लीजिए, और इसको डिवाइड बाय, डिवाइड का साइन दिया है यहाँ पे, बाय 2 करता हूँ और इक्वल टू के साइन पे क्लिक करता हूँ, तो आता है 14.75। देख सकते हैं 14.75, मैंने दो भाग में चौड़ाई जो है पेज का दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए 14.75 इंचेस आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और यहाँ पे गटर साइज दिया है 0.1857 इंचेस का होना चाहिए गटर साइज, जो बीच का कॉलम जो बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये कॉलम है,
ये एक कॉलम है, बीच में जो स्पेस है उसे गटर बोलते हैं, ये सब जो दो लाइनों के बीच का स्पेस है इसे गटर बोलते हैं। तो इसमें आठ, जनरली जो है न्यूज़पेपर होता है उसमें आठ, देखिएगा काउंट करके देखिएगा, आठ कॉलम होता है इस तरह का, एट कॉलम्स होता है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पेज साइज़, तो A4 ही रखिए, चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको चेंज करेंगे तो। और यहाँ पे मिलीमीटर में शो कर रहा है, ये बाद में इंचज़ में हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो विड्थ जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए विड्थ जो मैंने आपको बताया है 29.5 इंचज़, तो यहाँ पे इसको आधा करेंगे तो 14.75 इंचज़ हो जाएगा। 29.5 इंचज़, तो इसका आधा करेंगे 14.75 इंचज़। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ में लिखेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करके 14 के लिए 1.4 लिखा मैंने, अब पॉइंट यहाँ पे 14 पॉइंट आपका 75, तो 75 लिखा, उसके बाद इंचज़ INCH लिखना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे इंच आपको लिखना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता है। तो यहाँ पे इंच लिख दिया, 14.75 इंचेस हो गया। फिर हाइट में आता है, तो हाइट में क्लिक करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया, देख सकते हैं हाइट था वो mm में हो गया, अब ये जो लिखा था यूनिट मैंने वो mm में हो गया। अब हाइट में आते हैं, हाइट होना चाहिए, हाइट चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूज़पेपर का जो हाइट रहेगा उसको तो दो भागों में डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन पेज को आधा आधा करके, तो विड्थ इसीलिए ये वाला साइज हुआ है। अब हाइट जो आता है, हाइट के लिए जैसे मैंने आपको बताया 23.5 इंचेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए 23.5 इंचेस जो ब्रॉड शीट साइज होता है 23.5 इंचेस, तो ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइट के बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 23.5 इंचेस, INCH इंचेस लिखा, लिख दिया। देखिए अब मैं क्या करूँगा, कॉलम वाला इसमें जाएंगे, टैब दबाइएगा, इंटर नहीं दबाइएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक जैसे मैं यहाँ पे चेंज किया, देखिए जो पेज साइज यहाँ पे था वो कस्टम हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना होना चाहिए, आठ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। अब यहाँ पे गटर साइज में आता है, तो गटर साइज जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे ये देखिए गटर साइज ये 0.1857 देख सकते हैं, कभी कभी 0.12 इंचेस का भी रखते हैं। तो यहाँ पे गटर साइज़ फ़िलहाल मैं 0.1857 इंचेस का लिए लेना है। तो यहाँ पे ये हम लोग अडोबी इन डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे जो गटर साइज है यहाँ पे क्लिक करके इसको हम लोग मिटाते हैं इसको। उसके बाद मैं लिखता हूँ गटर का साइज है 0.1875 इंचेस, INCH इंचेस कर दिया, देख सकते हैं 0.1857 इंचेस, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 8 दिया है और यहाँ पे गटर दिया है 0.185 इंचेस हो चुका है। अब आते हैं मार्जिन में, अभी इसको कुछ नहीं करना, टैब दबाइएगा कीबोर्ड में, तो यहाँ मार्जिन में आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद अब यहाँ पे टॉप है, बॉटम है, ऑन साइड है, आउटसाइड है, तो टॉप में कितना रखेंगे और आपका यहाँ पे बॉटम में कितना रखेंगे, और इन साइड में थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पे 1 इंचेस का रखेंगे, तो इसको ओपन कर देंगे। अभी लॉक किया है क्योंकि कुछ भी चेंज करेंगे अगर इस हालत में तो सब में एक ही जैसा साइज आ जाएगा, तो इसको पे क्लिक कर देंगे, ओपन हो गया। तो टॉप में यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, मार्जिन में टॉप में हम लोग लिख रखेंगे 0.75, 0 पॉइंट के लिए फुल स्टॉप दीजिए, 0.75 इंचेस, INCH इंच लिखा, हो चुका। बॉटम में भी सेम रखेंगे 0.075 इंचेस लिखना पड़ेगा, INCH इंच लिख दीजिए, आ गया बॉटम में भी। अब आते हैं हम लोग इनसाइड में, इनसाइड में क्लिक करते हैं, देखिए दोनों का टॉप का, दोनों का टॉप और बॉटम का सेम हो गया। अब इनसाइड में करेंगे हम लोग 1 1 इंच कर देते हैं, 1 इंच, INCH इंच कर दिया, हो चुका 1 इंच। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे आउटसाइड में, यहाँ पे आउटसाइड में, आउटसाइड में भी वही रखेंगे हम लोग 0.75, तो यहाँ पे आउटसाइड में क्लिक किया, यहाँ पर 0.75 इंचेस, INCH इंच लिख दिया, तो देख सकते हैं लिख दिया। अब मैं अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ या यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए तीनों का सेम, टॉप का 0.75 या 19.0705 mm में आ गया है, देख सकते हैं ये वाला, ये आपको दिखाऊंगा मैं इंचेस में, अभी दिखेगा आप देखिएगा। तो देख लीजिए एक बार तमाम चीज़ें, यहाँ पे देखिए कस्टम है, प्रिंट है, नंबर ऑफ पेजेस 12, स्टार्ट पेज 1, कस्टम चूज़ किया, ये लिया है मैंने इंचेस में, सब दिया हुआ था, ये चेंज हो जाता है, mm में चेंज हो चुका है। अब बाकी ब्लीड एंड स्लग एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आपको ओके पे, यहाँ पे फेसिंग पेज को ऑफ कर दीजिएगा, फेसिंग पेज को आप ऑफ कर दीजिए, याद रखिएगा फेसिंग पेज को ऑफ कर दीजिएगा, बाकी जो है
सेम टू सेम वही रहेगा। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये मैं ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम हो चुका है, देख लीजिए। अब आप बोलिएगा यहाँ पे इन चीज़ में तो शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर रूलर्स में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रूलर्स में जाइएगा, यहाँ पे जो रूलर है ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और तो यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ इंचेस हो गया। अब ये रूलर में जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये जो आपका वर्टिकल रूलर है यहाँ भी हम लोग इंचेस पे क्लिक कर देंगे। ये भी इंचेस में देखिए हो चुका है। होने के बाद अब आपको देखना है इंचेस में जो मैंने पुट किया था सही है कि नहीं। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था चौड़ाई जो 14.75 इंचेस बताया था, ये देखिए 23.5 इंचेस जो हाइट होता है वो बताया था मैंने। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, स्टार्ट पेज वन, यहाँ पे ओरिएंटेशन टॉली रखिए, पोर्ट्रेट रखिएगा, यहाँ फ्योर ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देख लिया आपने, अगर आपको देखना है कि आपका गटर का सही है कि नहीं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपका मेनू बार है यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, टाइप में सॉरी अब लेआउट में जाइएगा, यहाँ मार्जिन एंड कॉलम में जाइए। यहाँ पर देखिए जैसा मार्जिन में 0.5 इंचेस, बॉटम में 0.5 इंचेस, लेफ्ट में 1 इंचेस देख सकते हैं, गटर का 0.5 देख लीजिए, सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने इंचेस में पुट किया था, अभी इसको सिर्फ चेंज कर देने से आपका वो आप पता चल जाएगा जो मैंने यहाँ पे पुट किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ब्रॉडशीट साइज जो बताया था। यहाँ पर देखिए हाइट 23.5 इंचेस, विड्थ 29.5 इंचेस, और इसी को 29.5 इंचेस को हाफ करेंगे तो 14.75 इंचेस हो जाता है। गटर साइज ये बताया था, ये तमाम चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये आपने देखा। अब सवाल उठता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हेडिंग इसमें पुट करना है। अब इसको कैसे पुट करेंगे, तो हिंदी लिखने के लिए या तो यदि हिंदी टाइपिंग नहीं आता है तो वो आप यहाँ पर देखिएगा ये कैरेक्टर मैप है, यहाँ से भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वो फॉन्ट होना चाहिए, कृति देव यूज़ कर सकते हैं, या और भी DVTT सुरेख है, बहुत सारा फॉन्ट है, लीप ऑफिस के माध्यम से भी आप हिंदी लिख के ला सकते हैं। तो यहाँ से आप कैरेक्टर मैप से भी डायरेक्टली यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यदि टाइप कर पाते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वहाँ से टाइप कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पहले से टाइप करके रखा हुआ मैटर, ये सब मैटर आप कुर्ती देव का ही फॉन्ट है, देख सकते हैं कुर्ती पैड कुर्ती देव है। तो ये तमाम चीज़ें आप हिंदी में पहले टाइप कर लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे इसका हेडिंग बनाएंगे। ये तो पेज सेटअप से रिलेटेड मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दिया। अब आते हैं इस पेज में क्या कीजिए, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए और इसको एक्चुअल साइज कर दीजिए। ये देखिए एक्चुअल साइज इस तरह आपको दिखाई देगा, ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हैंड टूल कैसे आता है, एच प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स में जाइएगा, यहाँ पे हैंड टूल है, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी शो कर रहा है एच। आप कीबोर्ड में एच प्रेस कीजिएगा तो इस तरह आप ये हैंड टूल आ जाएगा, पेज को आप मूव कर पाइएगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर छोटा करना है पेज को तो कंट्रोल और यहाँ पे माइनस का साइन है उसे आप क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा, कंट्रोल और प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो पेज जूम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब सवाल उठता है इसमें हेडिंग हम लोग देंगे, हेडिंग देने के लिए क्या करेंगे। देखिए एक बार पहले डिज़ाइन को ध्यान से देख लेते हैं हम लोग, जो पहला वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, ध्यान से देखिए आप हेडिंग, यहाँ पे देखिए द हिंदी दैनिक न्यूज़ लिखा हुआ है, ये जो हेडिंग लिखा हुआ है द हिंदी दैनिक न्यूज़ जो लिखा हुआ है ये कुर्ती देव से लिखा हुआ है। तो अब इसको सबसे पहले इसको लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम मैंने यूज़ किया, बाकी 2 कॉलम मैंने छोड़ रखा है, मतलब टोटल 8 कॉलम्स है ये समझिए अच्छी तरह से। तो 2 कॉलम यहाँ पे ऐड वगैरह देने के लिए, ये राइट हैंड साइड में ऐड रहता है तो इस देने के लिए रखा है मैंने, एक एक करके बताऊंगा मैं। तो फिलहाल हम लोग ये 6 कॉलम तक हम लोग एक हेडिंग यहाँ पे देंगे, उसके बाद ये सब तमाम चीज़ें हम लोग देंगे। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग देने के लिए क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा यहाँ पे हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉर्मल ये एक कॉलम छोड़ेंगे और इसको एक कॉलम छोड़ के थोड़ा सा स्पेस देके ऊपर से यहाँ से ड्रैग करके, यहाँ से लेके इस तरह का ड्रैग करके एक हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ से बना देंगे। ये देखिए मैंने टेक्स्ट ब्लॉक एक बना दिया इस टूल से, टाइप टूल से बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन है, प्लेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब वर्ड में जिस जगह भी आपने लिख रखा है और सेव किया हुआ है तो वहाँ से लेकर आएंगे, देखिए हेडिंग न्यूज़ नाम से वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मिसिंग फॉन्ट बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा बाहर क्लिक करते हैं, फिर भी देखिए कलर दिखाई दे रहा है, फॉन्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, बाहर पिक टूल पे क्लिक करेंगे, फिर बाहर क्लिक किया मैंने, फिर ये टाइप टूल पे क्लिक करके इस पूरा का पूरा टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे, एक कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पे, ये जो कंट्रोल पैनल है ये नहीं है, तो आप विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का ये बटन दिया हुआ है कंट्रोल पैनल के लिए, तो ये ऑफ़ कर देते हैं, ये चला गया। विंडो में जाइएगा, यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये पैनल यहाँ पे आ जाएगा। तो टेक्स्ट को आपने टेक्स्ट टाइप टूल से सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है, ये फॉन्ट का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके जो फॉन्ट है आपका कुर्ती देव उसको सिलेक्ट करना होगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे DVTT GH, देखिए यहाँ पे कुर्ती देव आ चुका है, देख सकते हैं कुर्ती देव 010, ये देखिए ये वाला है, ये वाला पसंद नहीं आ रहा तो फिर से नीचे जाते हैं, यहाँ पे कुर्ती पैड इसको सिलेक्ट कर देते हैं, द हिंदी दैनिक न्यूज़, ये देखिए ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज़ हम लोग यहाँ से बड़ा कर देंगे, ये देखिए मैंने इसको 72 कर दिया, और भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बहुत छोटा लग रहा है, इसको हम लोग यहाँ से 100 PT कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। देख लीजिए ये देखिए यहाँ पे द हिंदी दैनिक न्यूज़, अगर ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, हिंदी का बहुत सारा फॉन्ट है 80, ये देखिए ये वाला ज़्यादा है, कुर्ती पैड 080, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख लीजिए ये आ चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये जो बॉक्स है देखिए यहाँ पे द हिंदी दैनिक न्यूज़, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ पे आया नहीं है, ये पैड को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, देखिए लेकिन क्या हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये टेक्स्ट में देखिए बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो इसको अगर मैं इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए अंदर की तरफ ये चला गया, तो टेक्स्ट कहने का मतलब ये हुआ जो फॉन्ट है यहाँ पे देखिए जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको छोटा करेंगे, तो यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि काम करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 80, इंटर किया, ये देखिए ये ठीक है, द हिंदी दैनिक न्यूज़ ये देखिए 70 रखिएगा, ज़्यादा बेस्ट है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ला के रख दिया, ये देखिए हो चुका है, देख लीजिए इसको, ये जो ब्लॉक है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ताकि इसके ऊपर जब भी हम कोई ऐड करेंगे कोई भी मैटर वगैरह यहाँ पे, तो क्या होगा ये ओवरलैप करेगा तो काम करने में दिक्कत होगा। द हिंदी दैनिक न्यूज़ हो चुका है, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे देखिए द हिंदी दैनिक न्यूज़, ये जूम किया हुआ इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, इसके पीछे मैंने शैडो भी दिया हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं, द हिंदी दैनिक न्यूज़ आ चुका है यहाँ पे, एसेट हो चुका है। अब सवाल उठता है ये वाला, ये जो आपका ऊपर का देखिए यहाँ पे www.hindinews.com, फेसबुक का ये आइकन प्लस ये वाला ट्विटर, ये ऊपर में देंगे हम लोग, तो वो कैसे देते हैं देख लेते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पर टूल बॉक्स में चले जाइए और यहाँ पर जो ये मैटर है आपका टाइप टूल, इस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल से इस तरह का एक टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह बना दीजिए, ठीक इसके ऊपर, ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, बना दिया, इसको आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, ये जूम मैंने कर देता हूँ, ये देखिए मैंने थोड़ा जूम किया यहाँ पे, और ये हैंड टूल है, हैंड टूल पे क्लिक करके इसको आप ऐसे मूव कर लीजिए, ये देखिए अब आप दिख रहा होगा, ये अच्छी तरह से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो वेब एड्रेस लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये मैं स्पेस दे दिया यहाँ पर, अब लिखते हैं www, अब यहाँ पर देंगे hindinews.com, यहाँ पे हिंदी न्यूज़ hindinews.com दे दिया, देख सकते हैं मैंने दे दिया hindinews.com, थोड़ा सा इसका स्पेस ज़्यादा हो चुका है, इसको थोड़ा सा दे दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 12 है, इसको कर देते हैं हम लोग 18 दे दिया। यहाँ से आप चाहें तो रेगुलर हैं, यहाँ से आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, मीडियम बोल्ड जो भी अच्छा लगे आपको, यहाँ से आप, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये दे दिया हम लोगों ने। देने के बाद ये तो यहाँ पे आ चुका है, अब सवाल उठता है यहाँ पे एक बॉक्स देंगे हम लोग, जिसमें आपका जो वेब आपका जो वेबसाइट का जो वर्ल्ड का जो ये होता है आइकन होता है, जिससे ये पता चलता है .com के साथ, एक यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ये देखिए वेब का यहाँ पे देखिए एक आइकन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ जिससे आप देख पाइएगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए इस तरह का दिया हुआ, देखिए फेसबुक का आइकन दिया हुआ, तो ये वाला जो वेब का जो आइकन दिया हुआ ये वाला हम लोग पुट करेंगे, तो कैसे पुट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए
तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल सा एक इस तरह का जो रेक्टेंगल टूल है इस पर क्लिक करके नॉर्मल सा एक बॉक्स आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं या बाहर बना के भी पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मल सा मान लेते हैं एक बॉक्स यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर बना रखा है इसको आप चाहें तो इसको आउटलाइन भी और दे सकते हैं, दे दिया मैंने। अब इसी साइज़ का याद रखिएगा, इसी साइज़ का 3 कॉपी और बनाना है, जिसमें जिसमें आपका ये तो वेबसाइट आपका ये जो द हिंदी दैनिक न्यूज़ का जो वेबसाइट एड्रेस है वो लिखा हुआ, तो उसी तरह ट्विटर का रहेगा, फेसबुक का रहेगा, जिसका भी रहेगा उसका आइकन आप बनाने के लिए तो सेम साइज़ का रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद एडिट में जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा डुप्लीकेट, इसका शॉर्टकट भी दिया ऑल्ट प्लस सीट प्लस कंट्रोल प्लस डी, इस पर क्लिक कर देते हैं, एक और डुप्लीकेट बन गया यहाँ पर। इसको आप चाहें तो यहाँ से मूव करके ले जा सकते हैं, ये देखिए एक हो चुका, एक हो गया और यहाँ पे फिर से अगर डुप्लीकेट कर दिया डुप्लीकेट एक और हो गया, एक और 3 बना लेते हैं, डुप्लीकेट 3 बना लिया यहाँ पे देख सकते हैं। इसको उठा के आप रख दीजिए ताकि एक ही साइज़ का रहेगा तो बेस्ट रहेगा। ये देखिए मैंने 3 रख दिया, एक एक्स्ट्रा हो चुका। तो ये बॉक्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैंने बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप देख पाइएगा अच्छी तरह से। ये हैंड टूल पर क्लिक करते हैं, ये देखिए बॉक्स को सिलेक्ट रखा है मैंने, ये जो सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट रखिएगा, उसके बाद फाइल में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेस है, प्लेस में क्लिक कीजिएगा, प्लेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो आइकन्स है पहले से ही मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, अगर आप बोलिएगा तो आइकन से रिलेटेड कैसे कहाँ से प्राप्त करेंगे तो इस रिलेटेड मैंने बहुत सारा ट्यूटोरियल बना के रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं वेब का एक आइकन यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें ये यहाँ पे आ चुका है लेकिन दिख नहीं रहा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जगह है जो कंट्रोल का पैनल है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली और एक ये देखिए फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए वेब का जो आइकन है ये था, तस्वीर यहाँ पर आ चुका है, देख लीजिए ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये जो टेक्स्ट है देखिए इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लाके इस तरह हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ये देखिए ये सुंदर सा बन चुका है, देख लीजिए ये हो चुका है। अब उसी तरह क्या करेंगे, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है दूसरा वाला बॉक्स लेंगे हम लोग, अब यहाँ पे जहाँ पे भी लगाना है आपको, जैसे यहाँ पे लगाना है मुझे, ये देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फेसबुक का लाना चाहेंगे तो फेसबुक का लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फेसबुक का कैसे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट रखिए, उसके बाद आप फाइल में जाइए और यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए, प्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा, आप देखिए यहाँ पे फेसबुक का देख सकते हैं आइकन यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में, इसको क्लिक करेंगे ओपन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है लेकिन पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ आपका जो कंट्रोल का पैनल है यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर फिट कॉन्टेंट प्रोपोर्शनली इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए फेसबुक का पूरा आइकन यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं। ये सिंपल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से बना पाइएगा, हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे ये www.hindinews.com दिया हुआ है उसी तरह आप ये जो टूल है टाइप टूल इस पर क्लिक कर दीजिए फिर से। अब जैसे यहाँ पे है ये देख सकते हैं, इसको स्पेस बार दीजिएगा तो इस तरह ये चला जाएगा, देखिए इस तरह स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट एक ब्लॉग बना चुका हूँ। अब यहाँ पर फेसबुक का एड्रेस देंगे, तो फेसबुक का एड्रेस देने के लिए www.facebook.com दिया स्लैश जो भी फेसबुक एड्रेस है, जैसे द न्यूज़ कर दिया TH द न्यूज़ EWS न्यूज़ कर दिया द न्यूज़, जैसे यहाँ पे आप दिया हुआ देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया है द दैनिक न्यूज़ ने यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे दिया और फेसबुक का देख सकते हैं, तो उसी तरह इसमें भी आपको दे देना है, देख सकते हैं द न्यूज़ कर दिया, जैसे यहाँ पे हिंदी न्यूज़ तो यहाँ पे द न्यूज़ जो भी आपका फेसबुक का एड्रेस है यहाँ पे दे दीजिए, हो गया ये फेसबुक हो गया आपका, वेब का आइकन हो गया। अब आते हैं यहाँ पर इसके बगल वाले में, तो यहाँ पर हैंड टूल पर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इसको मूव कर दीजिए इस तरह, ये हो चुका है। अब उसी तरह ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए, ये बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, जो बॉक्स मैंने बना रखा है सेम यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे वो आ चुका है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इस तरह, हाँ ये ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करना है, ट्विटर वाला वो आइकन देना है, इसको सिलेक्ट रखिए, उसके बाद फाइल में जाइएगा और यहाँ पर प्लेस पर क्लिक कर दीजिए, प्लेस पर क्लिक कीजिएगा, प्लेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर देखिए ट्विटर का आइकन यहाँ पर शो कर रहा है,
इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये आइकन सब आप डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा, बहुत सारा आइकन्स है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के साथ यहाँ पे वो आ गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, जो पैनल है कंट्रोल पैनल है यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए फिट कंटेंट प्रोपोर्शनल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए आपका ट्विटर का वो आइकन यहाँ पर आ गया। अब आते हैं यहाँ पर लिखने की बात, तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जाते हैं और ये जो टाइप टूल है क्लिक कर देंगे, अब जो फेसबुक लिखा था वहाँ पर क्लिक कीजिए आप, अब स्पेस बार प्रेस कीजिए तो आपका कर्सर ठीक आपका जो ट्विटर का जो बॉक्स है उसके ठीक बगल में आ जाएगा। अब जो भी आपका एड्रेस है www. यहाँ पे दे दिया twitter.com दिया, स्लैश दे देते हैं, उसके बाद जो भी है द न्यूज़ दे दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपका कॉलम से बाहर जा रहा है, तो एक एक करके इसको जैसे सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अगर 18 है तो एक पॉइंट कम कर दिया तो इसको भी कम कर दीजिएगा, तो ये आप लेफ़्ट राइट इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो चुका, देख सकते हो ऊपर का पोर्शन यहाँ पर बन गया, जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर जो बना हुआ, देखिए ये देखिए ये वाला जो बना हुआ है, ये देखिए ट्विटर वगैरह बना है सेम टू सेम, ये वाला यहाँ पर बन चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग हैंड टूल यूज़ करते हैं, ये देखिए बन चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो ये बॉक्स दे रहा है इसमें अगर कलर फिल करना है तो देखते हैं कलर फिल होता है कि नहीं, ये देखिए फिल हो चुका है, देख लीजिए ये देखिए ये बॉक्स पे लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट पे टाइप टूल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप चाहिए तो आप यहाँ पर ये जो आपका कंट्रोल पैनल है यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज इसका कर सकते हैं, ये देखिए लेकिन रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके साथ जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ पे क्लिक करके सपोज़ वाइट करना है वाइट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये देखिए वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको वाइट यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर सबका वाइट कर दिया, ये देखिए इसका भी सिलेक्ट करके यहाँ पर ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका वाइट कर दिया, तो ये देखें खूबसूरत सा यहाँ पे बन चुका है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको लगता नहीं इसका थोड़ा सा इसको बढ़ाने से अच्छा लगेगा तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे उठा देते हैं, ये देखिए फिट हो गया, सब जो आइकन्स है सब एक लेवल में आ चुका है, ये हो चुका है। अब ये जो ऊपर का एक बॉक्स बचा उसको क्लिक करके आप यहाँ से एडिट से जाके इसे क्लियर कर दीजिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल और माइनस पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए तो खूबसूरत सा देखिए ऊपर में ये सब आ चुका है, द हिंदी दैनिक न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब हिंदी दैनिक न्यूज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आप, हल्का सा मैंने इसमें हल्का सा शैडो नोवा इफेक्ट दिया हुआ, देखिए ध्यान से इस टेक्स्ट को देखिए, ये देखिए हल्का सा इफेक्ट दिया हुआ है, ये कैसे करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, जो हिंदी टेक्स्ट है उस पर क्लिक कीजिए, ये जो पिक टूल है ये जो सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, देखिए इफेक्ट है यहाँ पे देखिए ड्रॉप शैडो, इस पर क्लिक कर दीजिए और तो देखिए जैसे ही आप दीजिएगा यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, जो इफेक्ट का ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे प्रीव्यू का ये जो बटन है इसको ऑन रखिएगा, जिससे जो भी काम कीजिएगा यहाँ पर शो करता है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर ड्रॉप शैडो यहाँ पर मोड है मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस है थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये देखिए हो गया, ये देखिए यहाँ तक हो चुका है, ये देखिए सुंदर सा देख सकते हैं इसमें इफ़ेक्ट आ चुका है। तो ये यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ में आ चुका है कि ये सब कैसे करते हैं। अब आते हैं नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये देखिए जैसे लिखा है सोमवार 13 जुलाई 2018 अंक जो भी है यहाँ पे आप इस तरह आप कैसे लिखेंगे कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से देखिए यहाँ पे टाइप कर रखा है और एक साथ मैं लाऊँगा तो इसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए इसको अलग अलग एक एक करके हम लोग ले जाएंगे। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से लिख के रखा हुआ है तो इसको एक एक करके ले जाएंगे। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये जो नीचे का जो पोर्शन है द हिंदी दैनिक न्यूज़ जो लिखा हुआ है ठीक इसके नीचे आपको क्या करना है, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे चले जाइए और ये जो टूल है टाइप टूल इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक इसके नीचे आप इस तरह का एक बॉक्स आप इस तरह बना लीजिए, ये देखिए मैं नीचे इस तरह का ठीक छः जो
यहाँ तक 6 कॉलम तक मैंने इसको बॉक्स एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो टेक्स्ट को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे पहले। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, अब यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए पूरा का पूरा मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। आप चाहें तो यहाँ से होम जो आपका टैब है यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, और वापस हम लोग एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर जाएंगे। और जिस जगह मैंने इस तरह का टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है, देखिए कर्सर शो कर रहा है, अब यहाँ पे आके हम लोग में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप समझ पाइएगा। ये देखिए यहाँ पे वो टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन अजीब सा कुछ अक्षर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो फॉन्ट का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मीमी ऑन प्रो लिखा हुआ है। अब यहाँ से कुर्ती देव जो फॉन्ट हम लोगों ने लिखा था उसको हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे। थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग, ये मैं नीचे जा रहा हूँ। देखिए एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए आई जे कुर्ती देव होना चाहिए यहाँ पे, आई जे जे, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुर्ती देव दिख रहा है 010, इस पर देखिए क्लिक किया तो देखिए थोड़ा सा पतला सा दिखाई दे रहा है। तो कुर्ती देव का बहुत सारा फॉन्ट है जो अच्छा लगेगा, जैसे यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ से रेगुलर है, यहाँ से थोड़ा सा साइज़ इसका हम लोग बड़ा कर देते हैं, यहाँ से मैं 18 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए सोमवार 13 जुलाई यहाँ पे 2020 यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है। फिर थोड़ा सा स्पेस हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पे दूसरे वाला इस जगह पे जाएंगे, इसको हैंड टूल से थोड़ा सा मैं हैंड टूल पे क्लिक करके थोड़ा पेज को इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए सोमवार ये 13 जुलाई यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सोमवार 13 जुलाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे क्लिक करेंगे, 2020 आ चुका है, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अब जिस जगह पे अब दूसरा लेकर आएंगे, दूसरा मतलब दूसरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जैसे सोमवार 13 जुलाई, अब प्रिस्ट जितना रहेगा पेज आपका, जितना पेपर जो आप जो न्यूज़पेपर बना रहे हैं उसका कितना पेजेस का रहेगा तो वो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस जाते हैं। अब यहाँ पे 18 12 जो भी चाहिए, जैसे हम लोग 12 का बनाया है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देंगे 12 लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग पूरा का पूरा, एक कुर्ती देव यूज़ किया है मैंने, कुर्ती पैड कुर्ती देव यहाँ पे। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया, वापस हम लोग इन डिज़ाइन में आ गए हम लोग। देखिए अब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब एडिट से आ जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो एक बार आपने ये जो फॉन्ट है सिलेक्टेड है इसी जगह पे, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का टेक्स्ट ब्लॉक बना रखा है ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं होगा, एक ही लाइन में टेक्स्ट आ जाएगा। क्योंकि अलग अलग बॉक्स बना के भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक बना के भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार आप यहाँ से लेकर ये 6 जो कॉलम है वहाँ तक बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह आप एक बार लिखने के बाद सिर्फ स्पेस प्रेस कीजिएगा, और आप जिस जगह आपको चाहिए वो हिंदी टेक्स्ट वहाँ पर पुट कीजिएगा, तो आप एक ही लाइन में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया, फिर से स्पेस यहाँ पर दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर दिया मैंने। देने के बाद अब दूसरा टेक्स्ट लेकर आते हैं, फिर हिंदी में ये माइक्रोसॉफ्ट वो ओपन किया। अब अंक जो रहता है कितना आपका, कितनी बार प्रकाशित हो चुका है, कितना नंबर अंक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा 106, राइट क्लिक किया, कॉपी कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे लाके इस जगह पे हेड में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए अंक 106 हो चुका है, ये देखिए सोमवार 13 जुलाई ये सब यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ से फिर से स्पेस देंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर दिया स्पेस। अब दूसरा टेक्स्ट लेकर आएँगे यहाँ पर, ये देखिए मूल जो दिया हुआ है, या मूल ये जो आर ये जो दिया हुआ है, ये है रुपीज़ का साइन, तो ये तभी आएगा। एक रुपी फॉर्डियन नाम का एक फॉन्ट है, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा रुपी फॉर्डियन तो आपको मिल जाएगा, तो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ ये मूल जो है इसी को सिर्फ कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर दिया, कॉपी करने को मिनिमाइज़ किया, डायरेक्टली यहाँ भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको कुर्ती देव आता है तो, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। देखिए मूल्य आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मूल्य इतना, अब रुपीज़ का साइन देना है। तो रुपीज़ का साइन देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो फॉन्ट का बॉक्स है यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे आर ढूंढेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे इसमें, तो सब जगह पे जो भी सॉफ्टवेयर सब में शो करेगा। यहाँ पर देखिए रुपी फॉर्डियन नाम से है, इस पर क्लिक कर दिया, ये रुपी फॉर्डियन आ गया। अब यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और एक टैब के ऊपर जो बटन है ट्रिडल बटन, उस पर क्लिक करेंगे, देखिए रुपीज़ का साइन यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पे आ गया।
इसको थोड़ा सा साइज अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डिंग कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, रुपीज़ जितना रुपीज़ चाहिए, यहाँ पे जैसे 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ कितने दाम है पेपर का, 0.00 कर दिया। ये यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं सोमवार जी, ये यहाँ पे आ चुका हो चुका। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद लास्ट एक और है, जो भी आपको लिखना है, जैसे दिल्ली से प्रकाशित जो भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ से कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और थोड़ा सा स्पेस दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे स्पेस देने के बाद एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सिलेक्ट करेंगे, अब फिर से यहाँ पे कुर्ति देव नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे कुर्ति देव वो क्यों नहीं मैच कर रहा मैं आपको बताता हूँ। कुर्ति देव ये देखिए आ चुका है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, साइज छोटा है 18 कर देते हैं 18। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा स्पेस देके इसको इधर स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, ये कॉर्नर में यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अगर आगे पीछे करना है तो सिर्फ कर्सर आगे करना है तो बैक स्पेस टिपिएगा, और इधर ले जाना है तो आप स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, तो हो चुका। अब इस बॉक्स को हम लोग कलर करेंगे, जैसे बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स के जो टेक्स्ट ब्लॉक हम लोगों ने बनाया था टेक्स्ट का, उसके लाइन पे क्लिक कीजिए सिलेक्शन टूल से। आप यहाँ से आप कलर चाहे तो यहाँ से आप यहाँ से ये जो आपका टूल बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिल के लिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए डबल क्लिक, उसके बाद जो भी कलर से आपको फिल करना है, जैसे येलो चाहिए येलो पे क्लिक कर दीजिए, ओके। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे कलर हो चुका है, देख सकते हैं। और इस टेक्स्ट ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कर देते हैं, देख सकते हैं ये मेरा का पूरा, और यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, देख सकते हैं ये भी थोड़ा मैटर इधर मूव कर रहा है, ये देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले गया, ये देखिए यहाँ से इस टेक्स्ट ब्लॉक्स को और थोड़ा ऊपर ले जाना है, इसके साथ इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, हाँ ये देखिए ये पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। तो ये हेडिंग मैंने सिंपल से हेडिंग मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जूम आउट करता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा ये हेडिंग बनके तैयार हो गया, देख सकते हैं। ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो उस पर क्लिक कीजिएगा इस बॉक्स पे, और टेक्स्ट लिखा था तो यहाँ से कलर वगैरह भी आप चेंज डबल क्लिक करते हैं, रेड चाहिए रेड पे क्लिक कर दीजिए, ओके। देखिए पूरा का पूरा ये तैयार हो चुका है, देख लीजिए ये पूरा का पूरा बन चुका है। ये हेडिंग मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीका मैंने बताया, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे आप ऐड कैसे लगाइएगा, उसका फ़ोटो कैसे पुट करेंगे टेक्स्ट के साथ, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं और भी कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझा पाऊँ आपको। अब इसको आप देख भी सकते हैं कि इसका आप चाहें तो JPG फॉर्मेट में से एक्सपोर्ट भी करके देख सकते हैं ये देखने में कैसा लगेगा। तो यहाँ पर फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट दिया हुआ, देखिए एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए इसे मैं हिंदी में सेव कर रहा हूँ, हिंदी नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ फाइनल हेडिंग, हेडिंग दे दिया, फाइनल हेडिंग दे दिया, और यहाँ पे सेव एज़ टाइप है, इसमें से हम लोग JPEG चूज़ कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर रेंज 1 ही रखा है मैंने। उसके बाद क्वालिटी यहाँ पर हाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट बेसलाइन ठीक है, यहाँ पे रिजोल्यूशन 300, अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे रिजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, तो मैं 300 रखा, कलर RGB रखा। उसके बाद एक्सपोर्ट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, एक्सपोर्ट हो चुका। अब हिंदी वाला में जाके ये देखिए हो चुका है, देखिए ये एक्सपोर्ट हो चुका है। थोड़ा सा हिंदी वाला में जाके हम लोग देखेंगे जो कैसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे ये तो पहले आपने देखा था ये वाला, मैं हिंदी वाला में देखते हैं, हिंदी नाम से हिंदी टेक्स, हिंदी नाम का बना हुआ था एक, हिंदी पूरा भरा हुआ है पूरा मेरा डेस्कटॉप। अच्छा कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे फाइल में जाते हैं, जाने के बाद प्लेस में क्लिक करते हैं, अब यहीं से दिख जाएगा डेस्कटॉप, इसको दूसरी जगह सेव कर देते हैं। फाइल में गया मैंने और इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से हिंदी नाम का ना ये सैम्पल था फाइनल हेडिंग, इसको मैं थोड़ा सा यहीं से प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए इधर जूम करता हूँ, ये देखिए
ये देख सकते हैं, ये देखिए खूबसूरत सा देखिए बन चुका है, देख लीजिए द हिंदी दैनिक न्यूज़, ये देखिए ये देखिए देखिए ध्यान से, ये जब प्रिंट होगा तो कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, जो हम लोग अभी अभी जो मैंने आपको बताया डिज़ाइन करके दिखाया मैंने, ये देखिए इस तरह आपको दिखेगा। इसका सेटिंग और अच्छी तरह से भी करने से आप और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैंने बताया कि कैसे आप इस तरह का हेडिंग आप बना सकते हैं एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।